हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, बट मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। तो आज संडे है और कल सरस्वती पूजा है। जो मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं सरस्वती पूजा अपने घर में सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी किचन में आ गई हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कलाकंद बनाने वाली हूँ पूजा के लिए, जो कि गिट्स का एक पैकेट मैं लेके आई हूँ मिक्स। तो बहुत ही इजी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, जैसे डायरेक्शन दिए हुए हैं उसी को फॉलो करके मैं बना रही हूँ। अराउंड 2 स्पून मैंने घी और ऐड किया है और 200 मिलीलीटर वहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, जो कि ल्यूक वार्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो पाउडर दिया हुआ है, जो मिक्स दिया हुआ है, वो ऐड कर रही हूँ। और उन्हें बताया गया है कि उसमें हमें अच्छी तरीके से जो मिक्स है उसे दूध के साथ मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई गांठे ना पड़े। तो बस मैं जेंटली इसे मिक्स कर रही हूँ। और जब भी आप ये बनाओ तो आप अपने जो पैन है उसके बगल में ही रहो, अदरवाइज़ बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है और जलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो मीडियम फ्लेम में मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और आप देखिए, ये जो मिक्सर है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तो अराउंड 10 मिनट्स में ये बन जाता है, बट बहुत अच्छा बनता है। तो बिल्कुल ये गाढ़ा गाढ़ा बन चुका है। तो बस मैं अभी फ्लेम को मैं बंद कर लूँगी और इसे निकाल के रख दूँगी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरह का आपको दिख रहा है, ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है कलाकंद के लिए। तो बस मैं फ्लेम बंद कर ले रही हूँ और एक थाली में मैंने घी थोड़ा सा लगाया है, जो कि ऑप्शनल है, बट इससे क्या होता है ना, घी अगर लगा हुआ रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से कलाकंद जब सेट हो जाता है तो निकालने में बहुत इजी रहता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और इस तरीके से हमें जेंटली अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है, थोड़ा सा मोटाई पे, ताकि जो कलाकंद निकले वो अच्छी तरीके से एक अच्छा सा कलाकंद निकले। तो बस मैंने यहाँ पे सेट करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे सेट करने के बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ध्यान रखें, जब भी गर्म है तभी आप सेट करने के लिए रख दें, अदरवाइज़ जब एक बार ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरीके से ये सेट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने आलमंड्स चॉप करके थोड़ा सा डाल दिया है, इससे इसका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे चाकू की हेल्प से कलाकंद का शेप भी दे रही हूँ और बस हम लोग इसे फ्रिज में रख देंगे और जो कलाकंद है बिल्कुल सेट हो जाएगा। और बस अभी शाम हो गया है तो मैं सरस्वती पूजा के लिए जगह साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा अभिरूप जो मेरी हेल्प कर रहा है सेट करने के लिए, जो चीज़ें रखी हुई हैं वो हम लोग हटा रहे हैं। यूजुअली मैं वहाँ पे ही पूजा करती हूँ, जब से इस घर में हम लोग मूव किए हैं तो हम लोग यहीं पे सरस्वती माँ को बैठाते हैं। तो बस वो हेल्प कर दे रहा है मेरी। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, तो काफ़ी बच्चे हेल्प कर देते हैं मेरे। तो अभी मैं उस जगह को क्लीन कर दे रही हूँ और अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि कल मंडे है और यहाँ पे US में कुछ छुट्टी नहीं रहता है सरस्वती पूजा में। तो मैं यहाँ पे एक DIY बना रही हूँ, जहाँ पे मैं सजाऊंगी, डेकोर करूँगी। यहाँ पे जो कार्टून के बॉक्स लगे हुए रहते हैं ना, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उसे कट करके इस तरह का एक शेप बनाया है। जस्ट नॉर्मली हमें इस तरीके से कट करना है और
इसे बस चिपका देना है। आप देख सकते हो मैंने बहुत इजीली चिपकाया है, तो कुछ ज़्यादा ख़ास DIY नहीं है बट सिंपल है। और यहाँ पे मैंने जो आपको फ्लावर्स मिलते हैं ना डॉलर ट्री में, वही मैं लेके आई हूँ। तो बस इसे निकाल के मैं इसे चिपका रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने हाथ से फ्लावर को बनाऊंगी, बट उतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनकी स्कूल देखनी पड़ती है, घर में काम देखना पड़ता है, तो इन सब के बीच में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि फ्लावर तो मिलते ही हैं तो उसी का कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो बस बहुत ही ईजी है, इसे मैं जस्ट ग्लू की हेल्प से इसे चिपका दे रही हूँ, बट लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ पे मैं बस जो फ्लावर्स है इसे एक एक करके चिपका दे रही हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल जो डेकोरेशन है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं जहाँ पे स्थापना करूँगी अपनी माँ सरस्वती को, वहाँ मैं डेकोर कर रही हूँ। और मैंने ये जो डेकोरेशन है बिल्कुल सिंपल रखा है, जस्ट सिंपल रखा है। यहाँ पे मैंने टेबल रखा है और बस अभी तो डॉलर ट्री में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं सेंट पैट्रिक डे के लिए, तो वहीं से मैंने वो ग्रीन कलर का एक डेकोर लेके आई हूँ। और जो मैंने DIY अभी बनाया है वो मैंने दीवार पे लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल मैंने इस बार डेकोरेशन रखा है। तो यहाँ पे जो मैं स्थापना के लिए वो जो पीड़ा है वो लगा रही हूँ। और मैंने लास्ट ईयर ये मंदिर से मैं लेके आई थी, वहाँ से बहुत अच्छा चीज़ें मिल रही थी, तो वही पीड़ा जो है मैं लेके आई हूँ। तो बस अभी मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ों को लगा के रख दे रही हूँ। और क्योंकि कल सुबह को बहुत हड़बड़ी रहेगी, बच्चों की स्कूल भी स्टार्टिंग हो जाएंगे 8:30 बजे से, तो इसीलिए मैं जितना हो सक रहा है जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके रख दे रही हूँ। और अनिरुद्ध यहाँ पे है तो कैमरा देख के वो भी आ गया है। तो बस अभी जब मैं काम कर रही थी तो वो बोल रहा था कि मुझे कैरम खेलना है, तो अकेले ही खेल रहा है आज, क्योंकि हम लोग डेली शाम को 4 जन मिलके कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो आज कोई नहीं मिला है तो वो अपने खेल रहा है। अभी को वो बोल रहा था कि भैया खेलो, बट अभिरूप को भी कुछ रीडिंग करना था तो अभी वो भी बुक पढ़ रहा है, उसे इस तरह के बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो लाइब्रेरी से बुक लेके आया है तो वही रीड कर रहा है। और इसी बीच में मैं अपना काम भी फिनिश कर ले रही हूँ, मैं जितना हो सक रहा है आज काम फिनिश करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह बहुत सारा काम रहेगा, पूजा करना है और नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो मैं बाती लगा के रख दे रही हूँ। और मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बाती लगाना, ये सब काम करना, तो बस मैं यही कर रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत सा छोटा था, होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा होगा, आप अगर मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।
और मेरे छोटे से फैमिली में हिस्सा होने के लिए। तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आप देख पाते हो बट मैं कहीं ना कहीं आपको नहीं देख पाती हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं भी आपको इस कमेंट के ज़रिए देख पाऊँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।